बहुत ही मान सम्मान के योग्य श्री संजय शर्मा जी, अतिथिगण, बुजुर्गों, माता बहनों और मेरी बगिया के प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, हमारा स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। आज हम उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो सपना इस इलाके के लिए श्री सुखबीर सिंह जाखड़ जी ने देखा था। जिसको भी ना काल बुझा सके वो क्षमा जलाई थी उन्होंने गणगौर तिमिर के आंगन में, ये बीज भूसा के बोते थे, ये आवाज लगाते थे जब सारा इलाका सोता था। श्री सुखबीर सिंह जाखड़ जी लड़कियों का उत्साह वर्धन समय समय पर करते रहते थे। उन्होंने लड़कियों को एकत्रित करके समझाया और कहा, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिसमें गूंज रही गीता। देखो डूब मत जाना झूठे हास परिहास विलासों में, करना कुछ ऐसा काम कि तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। और उन लड़कियों ने उस बात के ऊपर इतना गौर फरमाया कि हमारी लड़कियां, हमारे स्कूल की लड़कियां 3 साल से महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में स्टेट चैंपियनशिप रही हैं। हमारा स्कूल की लड़कियां नीतिका एवं पायल सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप बनके लौटी। अभिनव माजरा मात्र 10 साल का लड़का, 4th क्लास का बच्चा, 2 साल से स्टेट चैंपियनशिप रहा है। 10 साल के बच्चे के अंदर इतनी प्रतिभा होना छोटी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त नरेंद्र ढाकला नेशनल विजेता है हमारे स्कूल का रेसलिंग में। 2018-19 में हमारे हरियाणा प्रदेश में 7वां स्थान हासिल करते हुए उपलब्धियों का बिगुल बजाया। अनेकों ऐसी उपलब्धि स्कूल समय समय पर प्राप्त करता रहा है। हमारा स्कूल किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएं, ताकि आपके बच्चे निखर के समाज के सामने प्रस्तुत हों। अपने बच्चों को ऐसे महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलाएं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम कमाया है। हमारा मकसद सिर्फ भजन और रागिनी गा करके ये शोर मचाना नहीं है। यदि हम ऐसा ही करते रहे तो जो कामयाबी है वो हासिल नहीं हो पाएगी। मैं चाहती हूँ अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हो मगर वो पिघलनी चाहिए। सिर्फ भजन और रागिनी गा करके शोर मचाना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है हम समाज में एक ऐसी संस्था कायम करें जिससे इस इलाके का नाम ऊंचा हो सके। यही श्री जाखड़ जी का सपना है। श्री सुखबीर सिंह जाखड़ जी वो उजाला है जो इस इलाके में अंधेरे को चीर करके उजाले के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और जो भी भ्रमित करने वाले पेरेंट्स होते हैं उनसे सावधान रहें, सही गलत की पहचान अवश्य करें। धन्यवाद।